बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शुक्रिया। आज क्रिकेट खेलने के लिए रात के 8:30 से ऊपर टाइम हो रहा है, तो हमारी बैटिंग है, लड़के खेल रहे हैं। पहले ही ओवर का 2 बॉल हुई है, अभी 3 स्कोर हुए हैं और ये जो पीछे भाई लगे हुए हैं कमेंट्री कर रहे हैं, कान खाए हुए हैं सच में यार। बच गई इधर हमारे जवान बैठे हुए हैं, बस देख एंजॉय कर रहे हैं हम। शाबाश शाम भाई, एक छक्का हो जाए, चौका है आपका, शाबाश। अच्छा ये हमारे पीछे बैठ के कमेंट्री हो रही है, मुझे था कि उस साइड पे बैठ के कमेंट्री कर रहे हैं, हमारी टीम मतलब इस तरफ बैठी हुई है। बर्गरों वाले भी आए हुए हैं, पकौड़ों वाले भी आए हुए हैं, फ्राइज वाले भी आए हुए हैं, मतलब खाने के लिए सब कुछ इधर से मिल सकता है। और ये जी ओए बॉलिंग ही बहुत अच्छी कर रहे हैं वो, और उनके साथ साथ बहुत शादत तेरी। किधर लाए, मैच जीतना हारना किस्मत की बात है, हम अपना व्लॉग तो बनाए। तो खैर 54 या 55 का टारगेट है, 4 ओवर्स हैं, टारगेट कम हुआ, आउट हमारा कोई नहीं हुआ। मैं नहीं खेल रहा, मैं बाहर बैठ रहा हूँ, मैं तमाशाइयों में से हूँ। मुझे कह रहे थे कि फील्डिंग करो, मैंने कहा नहीं भाई साहब, आपको और लड़का खड़ा कर ले। उन्होंने साथ वाले गाँव का फिर लड़का जो है ना फील्डिंग के लिए खड़ा कर लिया, तो हम इधर आके बैठेंगे। अभी उस साइड से हम उठाए हैं, उस वहाँ पे बैठ के कमेंट्री हो रही है, और वहाँ पे हम पहले यहाँ पे हम बैठे हुए थे, बहुत शोर था वहाँ पे क्योंकि पीछे हमारे स्पीकर पड़ा हुआ था। हमारे गांव वालों ने विकेट हासिल कर लिया जी, तीसरी बॉल पे, वाह। वो दानी भी तेरे नाल पड़े क्या खेलते हुए, क्या जी वो कैच ही भाई, पावर अगेन अगेन कैच वीर, ओ यार चौथी बॉल पे भी चांस था आउट का, कोई बात नहीं कोई बात नहीं जवानो। तो हम हारेंगे एक्स्ट्रा रन से, कभी लेग बाय का चौका जा रहा है तो ज्यादा हमारी 9 बॉल हुई है हमारे लड़कों की, तो उस वजह से हम मैच हार सकते हैं। बाकी बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, और दूसरा फील्डिंग की वजह से हम हारेंगे। 2 कैच हमने ड्रॉप कर दिए, अगर वो कैच पकड़े होते तो मैच अभी हमारा ही था। 95% प्रेडिक्शन हो गई है, वो जो कमेंट्री कर रहे हैं उन्होंने कर दिया कि दूसरी टीम जीतेगी, 5% हम, 5 क्या 100% ये उनको दे दें, हमें नहीं चाहिए कोई भी परसेंट। चलो चलिए टाइम डाल है, कार रोटी खाइए चले गए। रात के 12:15 हो रहे हैं और अभी हम क्रिकेट ग्राउंड में ही हैं, ये पीछे मैच हो रहा है, इसके बाद कह रहे हैं कि आप ही का मैच है, मतलब हमारा मैच है, दूसरा मैच, एक हम हार गए अभी हम दूसरा हारना चाह रहे हैं। तो मुझे आ रही है नींद, लेकिन लड़के कह रहे थे कि हम आए हुए हैं दूसरा मैच खेल के ही जाएंगे। मैंने कहा भाई सब खेलना भी खेल, हम क्या कह सकते, सब इंतजार कर रहे हैं कब मैच खत्म हो, कब हमारी बारी आए, हम खेले हम कर जाए। साड़ी बारी आई थी गुरु, हमारे लड़कों ने खेला जी पिछले मैच में तो बहुत कम स्कोर बनाए थे, इस मैच में 84 बनाए हैं 4 ओवर्स में। एक मौसम खराब हो गया और दूसरा अभी अभी लाइट चली गई है, तो अभी बाई जनरेटर ऑन करेंगे और टाइम 1:15 ही हो रहा है, हाँ 1:15 हो रहा है। नींद आ रही है सबको, यहाँ से जाते जाते 2 से 2:30 हो जाएंगे, दोस्तों के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। जीत गया, जीत गए हैं जी, हम जीत गए हैं। मुबारक हो जनाब, ये आपको नाम में दिया जाता है बल्ला, ये भी लें आप, और बस चले घर को, बहुत लेट हो रहे हैं। तेज तूफान शुरू हो गया जी, एक मैच हारने और एक जीतने के बाद अभी घर को वापसी थी और भूख बहुत ज्यादा लगी हुई है, तो घर वालों से तो इस टाइम जाके खाना नहीं मांग सकते ना, इसलिए हमने सोचा कि हमारे टाउन में ना एक रेस्टोरेंट जो है वो ओपन होता है 24 आवर्स, तो यहाँ से हम अक्सर आके खाना खाते हैं, बहुत अच्छा खाना मिलता है, तो अभी हमने सोचा कि यहाँ से खाना खाते हैं देन घर चलेंगे। इतना सुनसान हमारा टाउन, ये रात को 2-3 बजे देखने को मिलता है, नहीं तो टी टी पापा ही चला रहता है सारा दिन इधर। ये जी चिकन करवाया है और साथ दाल है और सब्जी का भी कहा है, आलू पालक की सब्जी है वो आती है फिर खाते हैं, पहले मतलब अब बिस्मिल्लाह करें जनाब। एक कप चाय, आय हाय आय हाय, मौसम जो है बहुत ही प्यारा हो गया और मेरी मच्छरदानी पड़ी हुई है छत पे, तो मेरे नजरों में बस मच्छरदानी घूम रही है, कहीं उड़ के किसी दूसरे घर ना चली जाए, जहाँ से हमने खाना खाया ना वहाँ से चाय नहीं मिलती, मच्छरदानी यार हवा चल रही है ना, बारिश ना आ जाए, वो देखा बिजली चमक रही है। एक तो जान भाई की मच्छरदानी जो है ना, कभी अल्लाह ही बारिश है, पता नहीं कैसे बच गई इतनी। अक्सर लोग चाय पिए तो उनको नींद नहीं आती, आमिर भाई कहते हैं कि मैं चाय पी हूँ तो मुझे ज्यादा नींद आती है, की नींद आती है। घर पहुंचे और बारिश जो है शुरू हो गई है, अंदर को दरवाजा खोलना था मुंडे, हल्की हल्की बारिश शुरू हुई थी, अल्लाह पाक अपनी रहमत कर दे, बहुत से बंदे तेरे इस रहमत का सख्ती से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बारिश होगी तो चावल की फसल लगाएंगे। तो लास्ट व्लॉग में मैंने कहा था कि कोई चांस नहीं है, तो आज कोई बारिश नहीं बताई हुई, लेकिन हल्की हल्की जो है ना बारिश हो रही है, आपको पता नहीं नजर आ रही है कि नहीं। ये गई जी अपनी मच्छरदानी ठप करके नीचे,
गुड मॉर्निंग जी, और मेरी गुड मॉर्निंग हुई है तकरीबन 10 बजे। तो अगर मैं कभी मतलब इतनी लेट उठ जाऊं कभी, तो मुझे खुद पे ना इतना ज्यादा गुस्सा आता है ना कि क्या बताऊं। रात को टाइम बताया था, मुझे याद नहीं, मैं खुद भूल गया हूं कितने बजे हम आए थे। 3:30 के करीब टाइम हो रहा था, तो घर वालों ने कुछ नहीं कहा, जो मुझे लगता था कि अम्मी जान गुस्से होंगी, कहाँ रह गए हुए थे। इतनी लेट तक मैं दोस्तों के साथ कभी बाहर नहीं रहा हूँ। लेकिन कल दोस्त जिद कर रहे थे कि यार एक मैच है, खेल के आ जाएंगे। लेकिन वहां पे पता चला जाके कि दो मैच है। अगर एक मैच होता तो 9:30 बजे हमने घर आ जाना था, लेकिन दो मैच थे, तो उसकी वजह से बहुत लेट हो गए हम। तो खैर, नेक्स्ट नहीं मैं जाने वाला। अभी अपना नाश्ता आ गया हुआ है, नीचे आओ, अपना फिर डलो। शाबाश, हमारे नाश्ते में चिकन कद्दू और साथ चावल और साथ ठंडा पानी, ये देखें। हाय 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 हाय, दोनों काज की चाबियां जो है नए घर होती हैं, तो रात को लेट आया था, तो मैंने भाई मदरसे को डिस्टर्ब नहीं किया। तो इसके साथ ना एक चाबी लगी हुई है, तो इसके साथ दरवाजा खुल जाता है बाहर का। तो दरवाजा खोला, गाड़ी अंदर खड़ी की, दरवाजा बंद किया और घर आ गया मैं। तो चाबी मेरे पास ही, तो अभी भाई मदरसे को चाबी देनी है। रात को थोड़ी सी बारिश हुई, ज्यादा बारिश नहीं हुई, लेकिन थोड़ी सी बारिश से भी ना गर्मी की शिद्दत में काफी कमी आ गई है। मोर नहीं, बच्चे हैं इधर, बच्चे बोल रहे हैं इस साइड पे करके। इधर आज दिखाता हूँ आपको मैं, इधर से। मोर की आवाज में और बच्चों की आवाज में बड़ा फर्क होता है भाई। यार कौन है इधर, बच्चे है ना, वो बैठे हैं। हाँ हाँ, ये यहाँ पे मोटर है, तो यहाँ पे है। लास्ट व्लॉग में मैंने दिखाया था कि किया के बम्पर के नीचे ना टेंट पड़ गया हुआ है। थोड़ी सी हमसे गाड़ी लगी थी जब हम आजाद कश्मीर गए थे, तो हमसे कल वो टेंट निकला नहीं। हमने काफी कोशिश की, तो जब वो वीडियो मेरे दोस्त हमजा ने देखी ना, तो उसने मुझे आज सुबह मैसेज किया कि जैन गर्म पानी डालो वहाँ पे जहाँ पे डेंट पड़ा हुआ है, और ऊपर से थोड़ा सा दबाव और आपका डेंट जो है निकलेगा और निकल जाएगा। अभी सर पीछे पानी गर्म कर रहे हैं, तो अभी निकालते हैं डेंट, देखते हैं निकलता है कि नहीं। पानी हमारा हो गया जी गरम, अभी आंच को कर देंगे बंद। तो अभी हम इसमें कुछ नहीं डालेंगे, हम बस इसे उठा के ले जाएंगे बाहर। देखने में ऐसे ही लगता है कि अंदर से हम हाथ डाल के दबाएंगे ना, तो कौन से ये डेंट जो है ना निकल जाएगा, लेकिन नहीं जनाब, बहुत मुश्किल है, बहुत। कल हमने बहुत ट्राई की इसके साथ, ये टूल था भाई मदरसे का। तो डालें पानी, फिर जल्दी जल्दी करें, ठंडा हो जाएगा पानी। मैं पीछे हट जाऊँ। हाँ जी, और डालें, कलर तक ना जाने दें, ये ना कलर हमने ख़राब किया हो। अभी 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 करें, हमारे अंदर से बट्टे के साथ ना निकल जा डंटा। नहीं, आराम से करें, आराम से, तोड़िएगा मत, प्लास्टिक हार्ड है ना। अच्छी प्लास्टिक लगाई है, ये वाली प्लास्टिक थोड़ी है। हमने कोशिश की जी, पर नहीं हुआ। गर्म पानी डाला, लेकिन गर्म पानी ने असर नहीं किया प्लास्टिक पे। प्लास्टिक जो है ना, जो उन्होंने इस कार में इस्तेमाल की हुई है, वो उसकी चादर जो है ना, वो मोटी है, तो इसलिए अच्छे तरीके से पानी ने मतलब असर नहीं किया उस पे। तो इस वजह से फिर डेंट जो है हमारा नहीं निकला। हमने काफी मतलब ठक ठक किया भाई मदरसे ने, कि हो सकता है जोर लगाने से निकल जाए, लेकिन नहीं निकला। तो हम ज्यादा पंगे लेंगे नहीं, ये ना हो कि हम उल्टा नुकसान कर बैठे। तो फिलहाल इसे रहने देते हैं, जब भी किया के सर्विस स्टेशन चक्कर लगा तो उनको कहेंगे, वो उस कोन से निकाल देंगे हमें डेंट। लास्ट व्लॉग में भी मैंने था कोई मसले वाली बात नहीं है, तो अभी भी कह रहा हूँ कि मसले वाली बात नहीं है, लेकिन दोस्त ने मुझे कहा कि ऐसे ऐसे ट्राई करो, निकल जाएगा। तो हमजा भाई, अगर आप मेरी वीडियो ये देख रहे हैं, तो आपने देख लिया टेंट हमारा नहीं निकला। #sadtimes कि सिनेमैटिक शॉट लूंगा मैं, ये ऐसे निकल के आया। आपने स्लो मोशन में आना है, और स्लो आए, कल परसों तक आप पहुंच जाएंगे, बस चलते रहें ऐसे ही। अगर ये बुजान आपको ऐसे करते देख लेते, ऐसे कहना था, खुश कीते पुत्र है कि कीता है। एक दिन ऐसे हुआ था, खैर वो हमें सिखाते हैं। एक दिन ऐसे हुआ था, ये ब्लैक कार जो है, इसके साथ ना वाइपर नीचे गिरा हुआ था, मैंने खड़ा इसके साथ कर दिया। अबू जान आए हैं, समझाने का तरीका उनका कितना अच्छा है, वाइपर पकड़ा दीवार से दूसरी साइड पे, फिर मैं वहां से पकड़ के लेके आया हूँ, तब से अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने बाद में कहा था कि ये बेस्ट तरीका था, अगर मैं वैसे समझाता ना तो आपने नहीं समझना था। अभी चोखर लेने के लिए मैं जा रहा हूँ, हमारे मिठू की चोखर जो है वो खत्म हो गई हुई है, तो अभी स्पेशल मिठू के लिए चोखर जो है ना वो लेके आएंगे। लास्ट टाइम जो चोखर लेके आया था ना मैं, 2 तोड़े, वो ठीक नहीं थी, लेकिन अभी जो है ना अच्छे वाली चोखर लेके आएंगे अपने मिठू के लिए। तो अभी सुबह का उससे मैं मिला नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि उसकी अभी तबीयत कैसी है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि मिठू जो है हमारा ठीक होगा। अभी ये रही जी हमारी चोखर।
अच्छा जी, तो लास्ट टाइम जो हमने चोखा ली थी ना, वो एक तोड़ा मिला था हमें 950 रुपये का, तो उसमें मसला था, लेकिन अभी हम पूरे 900 रुपये में तोड़ा लेके आए हैं। तो भाई जाने का है कि बेस्ट है जो लेवल है ना जिसका, ये वो चोखा है। तो अभी डालते हैं अपने मिठू के आगे और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, खाता है वो नहीं खाता क्या होता है। खैर अभी घर को चलते हैं। ये रही जी चोखर। अभी जुमे का टाइम हो रहा है, जुमा हमारे गाँव 2:15 पे होता है, और अभी 1:36 जो है वो हो रहे हैं, घर जाना है, तैयारी करनी है, फिर जुमे के लिए चलते हैं। और मिट्ठू तो आपको दिखाएं, आ जा। ये मट्टी खाना शुरू हो गया हुआ है, कल भी खा रहा था, आज भी ताज़ा ताज़ा हमने मट्टी हवेली में डाली है। तो ये देखें इसके नाक में मट्टी लगी हुई है। आके इसके आगे ना चारे में मिक्स करके चोखा डालते हैं। ये देखें पूरी लाइन बना के चूंटियाँ जो हैं इस बोर्ड में जा रही हैं। आई थिंक इसके पीछे उन्होंने कहीं घर बनाया हुआ है। ये छोटा सा नीचे सुराख होता है जहाँ से ना ये ऊपर वाला ढक्कन खुल जाता है बोर्ड का, तो वहाँ से अंदर जा रही हैं। वाह। और यहाँ से होती 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 ये लाइन 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 कहाँ गई आगे, यहाँ से यहाँ से निकल रही हैं इस टाइल के पीछे से, कहीं से यहाँ से खाना लेके निकल रही हैं। ये देख रहे हो इन जोड़ियों ने कुछ पकड़ा हुआ है। अभी मैं कपड़े इस्त्री करने लगा हूँ, तो मैंने जब स्विच लगाने लगा तो मैंने देखा कि चींटियाँ जा रही हैं, तो मैंने सोचा कि इनका पीछा करते हैं, कहाँ से आ रही हैं, कहाँ जा रही हैं। घरवाले इस टाइम आराम कर रहे होते हैं, तो मैंने सोचा कि क्या घरवाल को डिस्टर्ब करना है, कपड़े ही तो इस्त्री करने हैं, हम खुद कर लेंगे। तो अभी पंखा लगाया तो सुकून मिला है। आज मैं बगैर सन ब्लॉक लगाए घूम रहा था, तो आपको रंग अपना दिख ही रहा होगा कि कितना प्यारा हो गया सन ब्लॉक से, अच्छा खासा फर्क पड़ा था। सिर्फ मैंने दो दिन ही लगाया था। जुमा पढ़ने के बाद ना बच्चे जो हैं यहाँ पे जमा हो गए, यहाँ पे गेम लगाई है। अभी इसे पता नहीं क्या कहते हैं, गोल करना होता है, तो बच्चे अभी इधर जमा हो गए थे, अभी ऐसा ऐसा घरों को जाने लग गए हैं। मिट्ठू कैसे हो? ऐसे भी कर सकते हैं, खुद दिखा देगा। मैं चाहता हूँ जैसे ये चारा खा रही है ना, वैसे ही हमारा मिट्ठू जो है चारा खाए गड़म गड़म करके। ये खोल लिया जी हमने चोखर का, जो नया थोड़ा लेके आए थे ना, वो देखने में थोड़ी ठीक लग रही है उसकी नस्बत ना, इस पर थोड़ा रंग रंग है, उस चोखर का थोड़ा थोड़ा रंग उड़ा हुआ था। आज हम नए तरीके से चोखर जो है ना अपने मिट्ठू के आगे डालेंगे। सफदर भाई ने कल ये तरीका मुझे बताया था, इससे पहले मुझे नहीं पता इस तरीके का। बिल्कुल चोखर में जैसे पानी डाल के आटा गूंथते हैं ना, वैसे कर लेना, ऐसा ऐसा ही तरह खाएगा। पहले पानी पिला लेंगे उसके बाद चोखर, अगर चोखर पहले डाल दी तो फिर वो पानी नहीं पिएगा। शो शो पानी होती है। चुपचे से बाकी होगा। देखिए आप कैसे खाने लग गया मेरा मिट्ठू, देख के मुझे अच्छा लगा। चलो शुक्र है कि चारा इसने सही से खाना शुरू कर दिया, और कल से भाई कह रहे हैं कि काफ़ी बेहतरी आई है। सेम वैसे ही है जैसे खुश्क चोखर चोखर डालते हैं ना चारे पे, वैसे ही ये गीला चोखर भी डाल रहे हैं। मिट्ठू हमारा सही से चारा खाना शुरू हो गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह, देख के खुश हुआ मैं। ये तरीका सही है, अगर आपका जानवर भी अगर कुर्बानी के लिए लिया हुआ तो चारा नहीं खा रहा, तो ये तरीका आजमाएं, चारा खाना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। या मसाले वाला भी आप आजमा सकते हैं जो लास्ट ब्लॉग में मैंने बताया। तो खैर आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, ज़ैनुल आबिदीन को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।